नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स जॉब के बारे में। यहाँ पे आपको बताऊंगा कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जॉब प्रोफाइल कितने सारे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको फ्रेशर का एवरेज सैलरी कितना मिल सकता है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस का दोनों का एवरेज सैलरी कितना हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ऑफर लेटर भी बताऊँगा, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करें उसका भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशंस हो सबसे पहले आप तक। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑफर लेटर ही बता देते हैं। यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन किया गया है, किसको ये ऑफर लेटर मिला है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट, तो कौन से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा दूसरा भी डिपार्टमेंट है, वो भी मैं आपको ऑनलाइन बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी देखिए, यहाँ पे सुपरवाइजर है, स्टोर इंचार्ज है, सीनियर सुपरवाइजर है, स्टोर मैनेजर है, जूनियर इंजीनियर है, एसोसिएट इंजीनियर, और भी यहाँ पे प्रोफाइल आपका हो सकता है। जॉब लोकेशन जमशेदपुर के अलावा दूसरे लोकेशन में भी है, मेन तो लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे जगह अगर करना चाहते हैं जॉब बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ कौन सा लोकेशन, एड्रेस कौन सा है, तो आप ये रहेगा इसका एड्रेस। मोस्टली जो है यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी होते हैं। और सैलरी रेंज की बात करें तो सैलरी रेंज आपको ये मिलने वाले हैं, जो कि 14,500 से लेकर के 45,500 रुपये तक सैलरी आपको मिलने वाले हैं एज ए फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे तो आपको जो है इससे भी ज़्यादा आपको सैलरी हो सकता है। इंटरव्यू के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तो पूछा ही जाता है, तो आप अगर आपको कभी भी का ऐसे ऑफर आए तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जरूर रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करें और कौन कौन सा यहाँ पे जॉब लोकेशन है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मैं सभी के बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको 100% बैंकिंग जॉब चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हो, employmentguruji.com, गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट बिंग में आप सर्च कीजिएगा employmentguruji.com, तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, तो यहाँ से दोस्तों ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 100% बैंकिंग जॉब, यानी तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। 100% बैंकिंग जॉब हम जो है प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन कौन से बैंक है, तो ये सारे बैंक रहेगा यहाँ पे, एक्सिस, HDFC, DCB, बंधन, IDFC, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, मुथूट, उज्जीवन, बहुत सारे बैंक है जहाँ पे हम जो है बैंकिंग जॉब 100% प्रोवाइड कराते हैं। ये फॉर्म को फिल करने के बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, और आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 90 डेज का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट और भी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने बात करा था प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आप सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियर, मैनुफैक्चरिंग, परचेस, यहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस और भी कई सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं चले जाता हूँ यहाँ पे व्यू ऑल अपॉर्चुनिटीज़ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट तो नहीं है, आप उस जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आते हैं सभी के बारे में वन पेज में यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोकेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप जो भी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जॉब लोकेशन कुछ है, पुणे वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे उसका जो है जॉब प्रोफाइल भी मेंशन करके है। फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो एक्टिव सेफ्टी है उसके ऊपर क्लिक कर दिया है। इन सारे जॉब प्रोफाइल, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन तो बात यहाँ है कि आप इसको देख लीजिए कि एक्सपीरियंस क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस पूछ रहा है। यदि आप ऐसा है एक्सपीरियंस वाले तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद जाके आप यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, यदि आप ऑलरेडी यहाँ से अप्लाई किए हो। अगर नहीं तो आप एक क्रिएट एन अकाउंट में जो ऑप्शन दिख रहा है इसको ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको जो है आपका डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे भर के आप जो है सबमिट कर सकते हो। इसके बारे में यदि आप फुल इन्फॉर्मेशन या पूरा वीडियो चाहिए कि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो मुझे नीचे इस वीडियो का कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने पर आपको जो है इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो फिलहाल दूसरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।